हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट आई एम योर लेट ससी स्टार्ट स्टार्टुडेज डिस्कशन हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग सॉयल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून तो ये कंट्री बन गया है चाइना और चाइना जिससे जिससे इसको किया है वो चैन ई सिक्स है देश में पहली बार लिथियम ब्लॉक की नीलामी किस राज्य में की गई है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री अ लिथियम ब्लॉक हैज़ बीन ऑक्स ऑक्शन इन विच स्टेट तो नीलामी हुई है लिथियम ब्लॉक की कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में आंसर इज बी विश्व के सबसे भीषण उष्ण कटबंधीय आर्द भूमि में लगी भीषण आग के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू द फायर इन द पेंटनल द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड और भीषण आग के द्वारा आपातकाल की घोषणा आपात की, की गई है ब्राज़ील में फायर ड्रैगन फोर एट्टी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ़ विच कंट्री तो कहाँ की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है फायर ड्रैगन फोरटी चार सौ अस्सी ये है चाइना की ओके okay. और इसकी रेंज कितनी है रेंज है दो सौ नब्बे किलोमीटर की वेयर हैज द इंडिया ओलंपिक रिसर्च सेंटर बीन इनोगरेटेड रिसेंटली इंडिया ओलम्पिक रिसर्च सेंटर इनागरेट हुआ है रिसेंटली गांधीनगर में दगिस्तान इज इन द न्यूज दीज डेज इट इज रीजन ऑफ विच कंट्री दगिस्तान न्यूज में है और ये रीजन है किस कंट्री का रशिया का आंसर इज पी रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सलेंस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट अंडर एनी पी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसका नाम है और तो ये स्टेट है कौन सा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के पचपन जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर ये लागू किया गया है

मुंबई रीजन तो गेट वे टू दी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक ऑफ मुंबई रीजन किस स्टेट की गवर्नर के द्वारा विल किया गया तो ये स्टेट है आपका महाराष्ट्र आंसर इस बी खालूबार वॉर मेमोरियल म्यूजियम म्यूज़ियम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेट इन विच रीज़न ऑफ इंडिया खालूबार वॉर मे, मेमोरियल म्यूज़ियम कहाँ पर है तो ये कहाँ पर है लद्दाख में आंसर इज़ बी और इसको ओपन किया गया फॉर ट्रीब्यूट कारगिल वॉर हीरो हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंट एज द वाइस चांसलर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ए आई यूनिवर्सिटी ए आई यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली कहाँ पर है ये है मुंबई में ओके okay. मुंबई में है और फर्स्ट वाइस चांसलर बने हैं इसके साइमन मै उत्तर प्रदेश में मंदिर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा वेयर विल द टेम्पल म्यूजियम बी बिल्ट इन उत्तर प्रदेश तो टेम्पल म्यूजियम बनेगा उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आंसर किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी इन विच कंट्री विल द स्टैचू ऑफ महाराजा रणजीत सिंह विल बी री इंस्टॉल्ड तो ये पाकिस्तान में किया जा रहा है पहले इसको का मतलब तोड़ दिया गया था अब फिर से इसको रीइंस्टॉल किया जा रहा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं हु हैज बिकम द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा 2014 से सॉरी uh, 2014 से 2024 तक कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था अब पूरे दस साल के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं राहुल गांधी रिसेंटली तक the... असेंबली ऑफ़ विच स्टेट हैज़ पासड ए प्रपोजल टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट तो किस स्टेट की असेंबली ने पास किया है प्रपोजल दिया है कि उस स्टेट का नाम चेंज करेंगे तो ये है केरला आ, हिंदी में केरल लिखते हैं अब इसी को कर दे रहे हैं केरला

को मंजूरी प्रदान की है तो ये इंडिया और के लिए किया गया है। अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां पे आयोजित की जा रही है वेयर इज दिक्सटी फोर्थ इंटरनेशनल सुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग बीग हेल्ड तो ये मीटिंग कहां पे हुई है ये मीटिंग हुई है कहां पे नई दिल्ली में आंसर इज ए हाल ही में विश्व नाविक दिवस कब मनाया गया वेन वॉज वर्ल्ड सी फेरर डे सेलिब्रेटेड तो वर्ल्ड सी फेर डे सेलिब्रेट किया गया ट्वेंटी फिफ्थ जून को और इसकी थीम थी सिर्फ सी फेरर आर की वर्कर्स हाल ही में आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है उनका नाम क्या है द टन्यूर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर वन ईयर व्हाट इज हिज नेम तो इनका नाम है तपन कुमार डेका इनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया है दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू